सभी लोगों का नमस्कार। आज 16 सितंबर 2023 है और कल विश्वकर्मा पूजा के दिन। आज शनिवार था तो मेरी आज छुट्टी थी और आज काफ़ी फूल खिले हुए हैं, तो एक बार मैं आपको पूरा एक 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए गौरैया भी बैठी हैं और फिर उसके बाद हम एक एक करके पास पास जाके नाम के साथ फूलों को आपको दिखाएंगे। ये देखिए, और कल काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई थी। इतनी बारिश हुई थी कि सामने रोड पे लगभग कुछ देर के लिए पानी सा भर गया था और जब सामने से वाहन कुछ आ रहे थे तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे लहरें आ रही हैं। ये तो देखिए सदाबहार है, ये तो हमेशा रहता ही है। ये येलो ट्रम्पेट वाइन, ये देखिए। और ये जो है पहले सूखी टहनियाँ और कुछ डंठल और पेड़ के टुकड़े हम लोग ला के बांधे थे यहाँ पे। अब देखिए कितना ये भर चुका है, इसमें नीम भी है। हम लोग को थोड़ा, मुझे लगता है इसमें ट्रिमिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि शायद ये होते हमारी दीवारों के लिए उतना अच्छा ना रहे। तो ये घना हो जाने के बाद काफ़ी गौरैयों के लिए भी अच्छा रहता है, छुप पाती हैं इसमें। ये देखिए और भी ट्रम्पेट वाइन, ये गौरैयों के लिए देखिए पानी रखा हुआ है। और इसमें आज हम लोग विमराल डालेंगे, एक विमराल होता है जिसमें ये देखिए बोगनवेलिया सफ़ेद। और ये हम लोग भी जैसे कभी कभार कहीं कहीं जाते हैं और एक डंठल उसकी मिलती है तो काट ले आते हैं। ये जो बोगनवेलिया होता है ये आराम से आप डंठल ले आके अपने यहाँ गाड़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप नर्सरी से ही खरीदें। जैसे आप पौधों के बारे में जब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पौधा कैसे लगता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे पौधों को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाहिए और अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आप छोटे से उसे उगा पाएंगे। और ये देखिए 9 o'clock और फोटोला का भी जिसे बोला जाता है, वो देखिए यहाँ पे खिले हुए हैं अलग अलग कलरों के। ये सिंगल पत्तियों वाले हैं देखिए, और यहाँ पे ये थोड़े हाइब्रिड पिंक और वाइट का मिश्रण, ये देखिए प्योर पिंक, ये मल्टीपल पेटल्स वाले हैं। और ये हमारा कनेर का फूल, कनेर के फूल का रंग एकदम सुर्ख चटक और हरे कलर के साथ एकदम कॉन्ट्रास्ट बनाता हुआ। ये देखिए कितने फूल एकदम मोहित करने वाले। और ये देखिए पास से अगर मैं ऐसे ऊपर से दिखाऊं, देखिए एकदम भरा पड़ा है एकदम, जैसे वो अपनी छाप छोड़ते हुए। ये बोगनवेलिया जो एक बार एकदम मरने वाली स्थिति में हो गया था पर अभी ठीक है, हमने इसका ध्यान रखा बीच में। ये देखिए और भी फूल फोटो लगाए खिले हुए हैं। गर्मियों में ऐसा रहता है कि इनके चलते एकदम हमेशा बाहर सी रहती है। ये देखिए हम लोग ये वाला गुड़हल जो है लाइट पिंक कलर का, ये हम लोग नर्सरी से लेके आए थे करीब 3-4 महीने पहले, मम्मी मैं और वाइफ जो है साथ में। ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बीच में ये हो नहीं रहा था तो हम लोगों ने घर पे बने हुए कुछ खाद जैसे प्याज से और पुराने केले के छिलके और उससे मिलके हमने बनाया था। तो देखिए उसके बाद कितनी सारी इसमें कलियां भी आ रही हैं और फूल खिलते हुए। तो ज़रूरी है उसके आप पोषण का ध्यान रखें। और ये देखिए क्या लाजवाब एक गुड़हल का फूल हुआ है, और ये एकदम वेलवेट फिनिश होता है। वेलवेट जो एक कपड़ा होता है जिसे कोट वगैरह में भी और लेडीज़ के कपड़ों में भी यूज़ किया जाता है। और ये बोगनवेलिया सूरज के एकदम सामने उसका छाया चित्र दिखते हुए, ये हमारा सदाबहार और ये पोटुला का। ये देखिए बारिश होते ही एकदम लिली के जो फूल हैं तुरंत आ जाते हैं। देखिए पीले कलर का है एक, ये देखिए थोड़ा लाइट येलो है, डार्क येलो है, वाइट, ये थोड़ा सा हाइब्रिड था हमारा। ये देखिए पिंक है और ये बल्ब से हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक ऐसा रहता है कि ये लोग लगेगा कि एक्टिव ही नहीं है, हर बारिश आते एकदम जैसे इनमें जान आ जाती है। ये देखिए और ये बांस के पौधे जो पापा ने बीच से लगाए थे, पता नहीं सूख से क्यों रहे हैं, लोग कोशिश तो कर रहे हैं इनके ऊपर असर ना पड़े। बाकी ये देखिए यहाँ पे मिक्स कुछ पौधे लगे हुए हैं और बाकी तो आप सब जानते ही हैं कहीं कहीं। ये देखिए एक अकेले में
करी पत्ता जिसे दूसरी वीडियो में कवर किया गया था, और ये एलोवेरा घिकवार भी जिसे बोला जाता है। और आइए आपको एक बार गौरैया के दर्शन करा देते हैं। ये देखिए गौरैया गौरैया के रहने से एकदम गुले गुलजार रहता है यहाँ पे। अभी दाना नीचे वहाँ पे डला हुआ है जहाँ पे मैं गया था, और अभी तो फ़िलहाल धूप सी निकल गई है। आज सुबह मौसम अच्छा हो रहा था, पर फिलहाल देखते हैं अगर शाम में बारिश हो जाए तो। बाकी उमस है फ़िलहाल तो, और यहाँ चहलकदमी करती हुई गौरैया। तो चलिए इसी के साथ एक आपको छत का नज़ारा आपके साथ साझा करना चाहता था कि आप भी उसे महसूस कर सकें और प्रकृति के साथ। और ये देखिए जाते जाते गौरैया। ठीक है, बने रहिए, जुड़े रहिए, मैसेज ज़रूर छोड़िएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं अनुराग।